हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा के बारे में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला मुख्यालय है और यहां पर कई प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं स्थलों के बारे में। पहला है पातालकोट। छिंदवाड़ा से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस विशालकाय घाटी के लगभग 3000 फीट नीचे धरातल में आदिवासी बस्ती है, जहां भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। आधुनिकीकरण से दूर पातालकोट के आदिवासी आज भी अपने जीवन यापन की परंपरागत शैली अपनाए हुए हैं। यहां इनके लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी ये हमेशा चुस्त दुरुस्त और प्रसन्न रहती हैं। ये अपने जीवन यापन और रोगों के इलाज के लिए भी वन संपदा पर ही निर्भर रहती हैं। भूमिका इनके आदिवासी चिकित्सक होते हैं, जो जड़ी बूटी से इनका इलाज करते हैं। दूसरा है देवगढ़ का किला। यह किला छिंदवाड़ा से लगभग 39 किलोमीटर दूर घने जंगलों और गहरी घाटियों के बीच एक पहाड़ी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण गोंड राजा जाटों ने किया था। 18वीं शताब्दी तक यह गोंडवाना राजवंश की राजधानी रहा है। यह एक विशाल किला था। इस किले की वास्तुकला मुगल शैली से प्रभावित है। यदि आपकी इतिहास में रुचि है और आप ऐतिहासिक इमारतों को देखना पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए खास है। तीसरा है तामिया पहाड़ियाँ। छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर तामिया एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यहाँ की सैर करना सैलानियों को काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ से आप महादेव और चौरा पहाड़ों के साथ सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला की बेहतरीन खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से आप दूर दूर तक फैले कुदरती आकर्षणों का दीदार भी कर सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य काफी ज्यादा मनोरम दिखाई देते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खास है। चौथा है जनजातीय संग्रहालय। इस संग्रहालय की शुरुआत 20 अप्रैल 1954 को की गई थी और 1975 में राज्य संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर 8 सितंबर 1997 में इस संग्रहालय का नाम बदलकर श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कर दिया गया था। यह अपने 14 रूमों और 3 गैलरियों और 2 स्वतंत्र गैलरियों के साथ यह संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के विषय में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के साथ ही जनजातीय जीवन से संबंधित दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं जैसे गहने, हथियार, कपड़े, कृषि उपकरण और नृत्य कला, संगीत व धार्मिक गतिविधियों से संबंधित वस्तुएँ भी देख सकते हैं। पांचवा है अनहोनी गांव का गर्म कुंड। अनहोनी गांव छिंदवाड़ा जिले का एक प्रमुख आकर्षण है। यह गांव छिंदवाड़ा पिपरिया रोड पर झिरपा गांव से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है। यह गांव गंधक युक्त गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का जल औषधि गुण से युक्त होने के कारण त्वचा संबंधी रोगों में लाभदायक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यह प्रक्रिया बिल्कुल ही फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।